तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। इस आज की क्लास में आप आज का टॉपिक देख रहे हैं, बेसिक कंपोनेंट ऑफ वीसीआर सिस्टम। उसमें भी हम एक कंपोनेंट की बात करेंगे, दैट इज कंप्रेसर। या हिंदी में हम बोले संपीड़क के बारे में बात करेंगे, जो कि वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय का एक मुख्य अवयव है। इसमें जाने के पहले यदि हम बात करें कि वीसीआर सिस्टम क्या है, जस्ट टू रिमाइंड, हम जानते हैं हालांकि इस पिक्चर के बारे में, ये पिक्चर को हमने पहले भी रेफर किया हुआ है, तो पिक्चर को देख करके आप में से कोई भी बोलना चाहे कि बेसिक कंपोनेंट कौन से हैं, क्या फंक्शन है, थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए, जिससे कि हम नए चैप्टर में चल रहे हैं तो पुराने चैप्टर का कुछ हम बैकलॉग ले लें। बोलिए जो भी बोलना चाहते हो, बेसिक कंपोनेंट पिक्चर देखते हुए एक्सप्लेन करें। बोलिए आप में से कौन बोलना चाहता है। बोलिए नीरज, बोलना चाहते हैं कुछ? यस सर। हाँ बोलिए। बेसिक कंपोनेंट के नाम कोई और बीच में करना चाहे तो करें। पिक्चर देख करके लग रहा हमें क्या है पहला? सर कंप्रेसर। कंप्रेसर यस। देन सेकंड। बोलिए सेकंड। सर सेकंड कंडेंसर। 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 इसके बाद क्या है? एक्सपेंशन वाल्व। इवो। और आखिरी वाला? एक्सपेंशन डिवाइसेस। इवोपरेटर। इवोपरेटर। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम ये जो पहले नंबर का कंपोनेंट है बेसिक, जो हम यूजुअली शुरू करते हैं, इस पिक्चर में 1 से 2 दिखाया गया है। तो 1 क्या है और 2 क्या है, थोड़ा सा कोई बताएगा इस बारे में? सर 1 इनलेट है कंप्रेसर में और सर 2 जो है आउटलेट है कंप्रेसर से, जो सर 1 में। यस सर। बोलिए बोलिए। सर 1 में जब इवोपरेटर से सर जो गैसेस अपनी कंप्रेसर में इन होती हैं, तो उसका प्रेशर लो रहता है, और 2 सर आउटलेट होता है, तो वो कंप्रेस होकर हाई प्रेशर से लिक्विड फॉर्म में कंडेंसर में, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब फेस एक ही है, वेपर ही है, कंप्रेसर के अंदर वेपर ही है, लेकिन इनलेट पे लो प्रेशर है और आउटलेट पर हाई है, हाई प्रेशर, ठीक है ना। तो हम आज इसी बेसिक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में क्या क्या आता है। चलिए तो इस लेक्चर को शुरू करने के पहले मैंने आपको यूट्यूब पर जो टॉपिक दिया था उसको अभी हम होल्ड पे रखते हैं और इस टॉपिक को आप देख लीजिएगा। हाँ, लेकिन पीडीएफ आपने जरूर पढ़ ली होगी। पीडीएफ के 1 और 2 पेज पढ़ना थे और आपको ये पता लग गया होगा कि कंप्रेसर की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन क्या है, पर्पस क्या है और वर्गीकरण क्या है। पहले जो मैंने वीडियो दी थी वो उसमें एक्सपेंशन डिवाइसेस के बारे में था, लेकिन मैंने सिक्वेंशियल बनाने के लिए पहले केस जो लिया है वो लिया है कंप्रेसर का, ठीक है ना। तो कंप्रेसर में आज हम सिर्फ कंप्रेसर के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो आप फिर से देख सकते हैं क्लास के बाद, वैसे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे सिर्फ कंप्रेसर की, एक्सपांशन इसके बाद फिर हम लेंगे दूसरे नंबर का कंडेंसर। तो आज कंप्रेसर की बात करें तो ये कुछ बना हुआ है, इसमें आप में से कुछ लोग सहयोग करें कि पहला प्रश्न है आज की क्लास का जो मैंने दिया भी था कि व्हाट इज कंप्रेसर या संपीड़क क्या है। एक पिक्चर भी मैंने बनाई हुई है, तो आप लोग क्या सोचते हैं, फिर अपन इसको कलर को बोल्ड करेंगे। बोलिए कौन बोलना चाहता है? जो कंप्रेसर क्या है? हेलो। हाँ भाई, जो लो प्रेशर एनर्जी को हाई प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हाँ, और बदले में बेसिकली कार्य देता है, लेता है, लेता है। मतलब यदि हम इसमें देखें तो किसी भी सिस्टम को बताने के लिए हमको, अब आप लोग आवाज म्यूट कर लें, किसी भी सिस्टम को बताने के लिए हमको ये कंप्रेसर का मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है और इसमें इनपुट दिखाए गए हैं 1 और 2 एरो के द्वारा और आउटपुट दिखाया गया 1 एरो के द्वारा। तो हम किसी भी सिस्टम को परिभाषित करने के लिए सिंबल यूज कर सकते हैं। इस सिंबल में देखें तो हमारा जो इनपुट हो रहा है, जो कि कुछ अलग तरह के एरो के रूप में मैंने यूज किया है, जिससे कि आपको वो याद रह सके कि वो कुछ खास चीजें ऐसा लग रहा है, एंड दिस इज अवर वर्क।
हम इसमें कार्य करते हैं। कार्य करने का मतलब क्या हुआ कि हम इसको यूजली इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा रोटेट करते हैं इसकी क्रेन को या इसकी शाफ्ट को, ठीक है। ये हमारा हो गया इनपुट, क्लियर। अब इसके बाद में आउटपुट में हमें क्या मिलता है कि लो प्रेशर एनर्जी जो है हमारी वो हाई प्रेशर एनर्जी में हो जाती है। यहां पर जो कंप्रेसर की हम बात करते हैं तो दैट इज द फ्लूड, मतलब एयर, स्पेशली एयर या वेपर की बात करते हैं तो हम कंप्रेसर बोलते हैं। वहीं यदि इसमें वो लिक्विड हो जाए तो हम इसको पंप बोलने लगते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि आप देख रहे हैं कि इनपुट में लो प्रेशर एनर्जी है आपकी, और यदि इस पर वर्क किया जाए तो हमको एनर्जी का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा आपका, हाई प्रेशर। तो इस तरीके से हम देखें कि कंप्रेसर हमारा क्या है, इट इज अ वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस, इसमें कार्य का अवशोषण किया जाता है। तो अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं उसमें कि कंप्रेसर क्या है। तो कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर एक ऐसी इकाई है या इट इज अ सिस्टम विच एब्जॉर्ब्स वर्क एंड कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई लेवल, लो लेवल टू हाई लेवल, और लो प्रेशर टू हाई प्रेशर ऑफ वर्किंग फ्लूइड। तो अगर हम अपने रेफ्रिजरेशन के पर्पज में बात करें तो यहां पर रेफ्रिजरेशन का जो लो प्रेशर है वेपर जो कि हमारा एवोपरेटर से आ रहा है और जा रहा है कहां पर, कंडेंसर में हाई प्रेशर पर, तो उसके बीच में जो यूनिट लगी हुई थी अभी हमने देखी थी वो हमारी क्या है, कंप्रेसर। तो सबसे पहले तो कंप्रेसर की डेफिनेशन बोले आप, इसको फंक्शन बोले आप, इसको पर्पज बोले, बोलने के तरीके में बदल जाएगा। जैसे मैं बोलूं कंप्रेसर का उद्देश्य क्या है, आप बोलेंगे कंप्रेसर का जो उद्देश्य है वो क्या है, टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ रेफरेंट फ्रॉम एवोपरेटर टू कंडेंसर, फ्रॉम द आउटलेट ऑफ एवोपरेटर टू इनलेट ऑफ कंडेंसर, यही आपका होगा, इसको अपन पर्पस बोलेंगे। अब कार के बारे में, ये एक ऐसी इकाई है जो कि कार को अवशोषित करके निम्न स्तर से उच्च स्तर तक भेजती है। तो आप डेफिनेशन फंक्शन पर्पज में केवल लिखने का तरीका बदल जाएगा, बट केवल जो कोर थीम है वो जरूर आना चाहिए कि इसमें कार्य इनपुट होता है, मतलब कार्य दिया जाता है, इसलिए कार्य अवशोषित इकाई है। और जो हमें ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, क्योंकि हम किसी भी सिस्टम को थर्मोडायनामिक के लिए बता रहे हैं तो उसमें केवल इंट्रेक्शन किस चीज का होता है, हीट और वर्क का, तो ये एनर्जी और वर्क का है। अब इसके बाद सेकेंड जो आपके सिलेबस में है, वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, वो है आपका क्लासिफिकेशन, कि कंप्रेसर्स को आप कैसे वर्गीकृत करेंगे, कैसे क्लासिफाइड किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन के तरीके पे हमने लिया है सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल के कार्यकारी सिद्धांत के आधार पर हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कार्यकारी सिद्धांत में पहला वाला जो हमारा आता है वो कहलाता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को यदि हम समझने की भाषा करें तो इसमें हम क्या करेंगे कि यदि आप देखें, अपन एक एग्जांपल लेते हैं रिसिपोकेटिंग कंप्रेसर का, चूंकि हम फ्लूइड हाइड्रोलिक मशीन्स भी पढ़ चुके हैं, कंट्रोल पढ़ चुके हैं हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक कंट्रोल लास्ट सेमेस्टर में, तो अब हम जानने लगे हैं कि रिसिपोकेटिंग पंप क्या होता है। तो मैंने इनिशियली बताया था पंप और कंप्रेसर में बेसिक फंडा है कि वहां पर पंप के थ्रू हम लिक्विड को करते हैं, इसमें हम एयर को करते हैं, मतलब फ्लूड को किया जाता है कंप्रेसर के थ्रू। तो आपने देखा होगा कि जब हम ऑयल यूज करते थे हाइड्रोलिक के केस में तो उसको बोलते थे हम पंप, और जब न्यूमेटिक में जाते थे तो उसको बोलते थे कंप्रेसर। तो रेसिप्रोकेटिंग में बेसिकली आप देखें तो क्या होता है कि सक्शन में पहले वो केवल सक्शन करता है और एक फिक्स वॉल्यूम को वो क्या कर लेता है, सिलेंडर के अंदर ट्रेप कर लेता है। It is a trapping a fixed amount of fluid. और उसके बाद उसको फोर्स लगाता है, जो वॉल्यूम है उसको कंप्रेस करता है। So this is called positive displacement. यानी इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप एक रूम के अंदर 100 लोगों को ले लें और इसके बाद एक दरवाजा खोल दें और फिर उनको धक्का मारे या धक्का ना भी मारे, तो वो आप ऐसा मान के चले कि वो क्या हो रहा है, दिस इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट याद रखिए कि इसमें हम अपना जो सिलेंडर है
या केसिंग है आप आगे चल के देखेंगे, क्योंकि दो तरह के होते हैं ये। उसमें हम पहले अमाउंट को, फिक्स अमाउंट को लेंगे और फिर उसको हम फोर्स करेंगे, उसको वर्क के द्वारा कंप्रेस करेंगे। तो इसमें दो प्रकार के हैं, एक रेसिप्रोकेटिंग या प्रत्यागामी, दूसरा है रोटरी विथ वेंस, स्लाइडिंग और फिक्स्ड वेन, व्हाटएवर इट में भी दो तरीके के हैं। इसमें भी इम्पोर्टेंट जो है आपके प्रश्न बनता है वो रेसिप्रोकेटिंग का ही बनता है यूजली। दूसरे प्रकार का कार्यकारी सिद्धांत के आधार पर देखें तो वो हमारा होता है रोटोडायनेमिक। रोटोडायनेमिक का मतलब यदि अपन देखें, अब इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन वाइज में कि सेंट्रीफ्यूगल है और देयर आर लोब टाइप, कई तरीके के टाइप है, बट इतने सारे टाइप को मैंने नहीं लिया है, वो आपकी बुक क्यू में भी दिए क्लासिफिकेशन। मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस रोटोडायनेमिक में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है कि हम लेकर के पूरे को एक वॉल्यूम को फिर पुश नहीं करते, बल्कि कंटिन्यूअसली वो आता रहता है। तो इसमें क्या होता है, रोटोडायनेमिक में काइनेटिक मशीन है ये, जिसमें कि एनर्जी लगातार रूप से पंप की जाती है किसी भी रोटेटिंग मेंबर के द्वारा। आपने देखा है कि सेंट्रल पंप में क्या होता था, इम्पेलर है, ये आगे चल के आपको क्या मिल सकता है, रोटर मिल सकता है। तो ये जो है हम इसको काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशन में हमको मिल रही है उसको हम पंप करते हैं फ्लूइड को किसी भी रोटेटिंग मेंबर्स के द्वारा, जबकि यहां पर हम क्या करते हैं इसको कंप्रेस करते हैं, यहां पर इसको रोटेटिंग के द्वारा भेजते हैं, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं प्रेशर एनर्जी में। तो बेसिकली कार्यकारी सिद्धांत के आधार पर हम दो प्रकार के कंप्रेसर्स बोल सकते हैं, पहला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, दूसरा रोटोडायनेमिक। रोटोडायनेमिक में कई प्रकार के, हम यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी भी कुछ हम केस देखेंगे। तो अब यहाँ पर मैं इनको आगे बढ़ाता हूँ और फिर अपन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को मैं शेयर करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, एक यूट्यूब से मैंने वीडियो लिया हुआ है, उसके कुछ पोर्शन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको सामने क्या दिख रहा है, अभी कोई बता पाएंगे क्या दिख रहा है? रेसिप्रोकेटिंग सर, है ना, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। देखिए तो इसमें क्या होगा, पहले सिलेंडर ये दिख रहा है, इसके बाद इसमें सक्शन वाल्व होगा, डिस्चार्ज वाल्व होगा, यहाँ पर ये पिस्टन होगा, फिर पिस्टन पिन होगी, कनेक्टिंग रॉड होगी, क्रैंक पिन होगी, क्रैंक होगी और ये क्रैंक शाफ्ट होगी, राइट। जस्ट लाइक अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी परीक्षा में, मतलब कई सब्जेक्ट में पढ़ा है, स्पेशली अपन ने हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक कंट्रोल में तो पढ़ा ही है। अब यदि अपन इसकी थोड़ी सी वर्किंग देखें एनिमेशन के थ्रू, तो देखें आप इसमें, आप देखेंगे कि जो आपका रेड कलर है वो सक्शन है और जो ब्लू कलर है वो आपका डिस्चार्ज है। ये देखिए आप, हो रहा है ना। तो यहां पर देखिएगा आप, जब ये पिस्टन आपका आईडीसी की तरफ आता है तब ये होता है सक्शन स्ट्रोक और फिर कंप्रेस होकर के यहां से बाहर जाएगा, ये होगा आपका डिस्चार्ज, सक्शन और डिस्चार्ज। तो इस तरीके से आप यहां पर देख रहे हैं, ये कहलाता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग। अब इस रेसिप्रोकेटिंग की हम बात करें यहां पर, तो इसमें हम ये भी पाते हैं कि इसके कई टाइप्स होते हैं। कई टाइप्स का यदि हम मतलब निकालें तो टाइप्स का मतलब में हम जाते हैं और ये देखते हैं कि ये डबल एक्टिंग भी हो सकता है, सिंगल एक्टिंग भी हो सकता है कि नहीं। एक सिंगल एक्टिंग है, एक डबल एक्टिंग है। अब इसमें हम बात करें सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग की, तो हमको ये पता लगेगा इसमें कि सिंगल एक्टिंग में और डबल एक्टिंग में एक एंड पर यदि सक्शन होता है तो दूसरे एंड पर क्या हो जाता है आपका डिस्चार्ज। तो ये सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग, ये भी हम रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में पढ़ चुके थे। इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ सिलेंडर के आधार पर भी बोल सकते हैं, सिंगल सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर। तो ये वेरियस क्लासिफिकेशन है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में तो आप इतना तो लिख सकते हैं, एक बढ़िया सा चित्र बनाए, उसका वर्णन करें, कंपोनेंट के नाम लिखें और उसका वर्किंग लिखें। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में ही हम यहां पर देखें तो ये रोटरी टाइप का है जिसका पिक्चर बता रहा है,
इसमें रोलिंग पिस्टन है। अब आप देखिए पिस्टन अपन देखते हैं रेसिप्रोकेट होता है, लेकिन इस केस में पिस्टन ये वाला पोर्शन जो है दिस इज अ पिस्टन, और ये और सिलेंडर ब्लॉक इसके बीच में इसेंट्रिक है। देखिए आप इसेंट्रिसिटी है, मतलब पिस्टन इज इसेंट्रिक टू द सिलेंडर, और रोटेट जो होता है ये आपका पिस्टन है, इसको रोलर भी कहा जाता है, पिस्टन भी कहा जाता है। इसमें सक्शन और डिस्चार्ज दोनों आमने सामने रहते हैं, और इनको सेपरेट करने के लिए इसमें फिक्स्ड वैन होती है। फिक्स्ड वैन का मतलब कि वैन की वर्टिकल पोजीशन चेंज होगी लेकिन उसकी लोकेशन चेंज नहीं होगी, ये ऊपर नीचे होगा, ये हमेशा सेपरेट करता रहेगा सक्शन को और डिस्चार्ज को। जैसे पहले केस में देखिए, यदि ये हमारा रोटर जो है वो आपका क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और सेकेंड पोजिशन पर आते हैं, तो ये फिक्स्ड वैन जो थी वो वर्टिकली डाउन आ गई। अभी इस केस में भी सक्शन और डिस्चार्ज को ये सेपरेट किए हुए है, और यदि थर्ड केस में देखें तो ये ऊपर की ओर चली गई है, अभी भी ये सेपरेट किए हुए है। तो दिस इज द फिक्स्ड वैन टाइप, जिसकी की लोकेशन चेंज नहीं हो रही है। इसकी वर्किंग में भी हम देखें तो सक्शन के दौरान फ्लूड जो है रोटर और ब्लॉक के बीच में आता है, और यहाँ पर इसका पैसेज जो है एयर चेंज इन एरिया के कारण इसका प्रेशर बढ़ता है, और अल्टीमेटली डिस्चार्ज के थ्रू इसका प्रेशर निकल जाता है। तो ये हमारा कहलाता है रोटरी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, जिसमें की वैन जो है वो फिक्स्ड है, इसको हम रोलिंग पिस्टन या फिक्स्ड वैन टाइप भी कंप्रेशर्स कहते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं, अभी हमने देखा था कि फिक्स्ड वैन, अब इस पिक्चर में आप देखेंगे इस पिक्चर में ये वाली जो वैन है ये फिक्स्ड नहीं है, अब ये रोटेट होगी। सक्शन यहां से शुरू होगा आपका, और डिस्चार्ज आपका यहां से निकलेगा। अभी हम इसका थोड़ा सा एनिमेशन देखते हैं, एनिमेशन में आपको और क्लियर होगा। ये देखिएगा आप, ये सक्शन ब्लू कलर से, इसके बाद ये रेड कलर से क्या हो रहा है आपका डिस्चार्ज। लेकिन इसमें जो वैन है ये मूविंग वैन है, सो इट इज अ मूविंग वैन टाइप कंप्रेसर है, जिसमें कि सिंगल वैन है जो कि इसेंट्रिक आपका जो पिस्टन है या रोलिंग पिस्टन है उसमें अब वैन जो लगी हुई है वो आपकी मूविंग वैन है। तो ये भी पॉजिटिव है, आप देखिए इसमें क्या कर रहा है, फिक्स्ड वॉल्यूम को ट्रैप किया और इसके बाद फिर इसको यहां पर जाकर के पुश किया। तो इसका ये अब इसके बाद जो पिक्चर आई है, इस केस में आप देखें कि यहां पर अब जो वैन है वो एक नहीं बल्कि मल्टीपल वैन हो गई है। कितनी वैन हो गई है, एक दो तीन और चार। इस केस में आप देखिएगा कि ये जो है स्लाइडिंग वेन्स है, मतलब ये ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन ये रोटेट होती है किसके साथ, अपने रोलिंग पिस्टन के साथ या रोटर, यहां पर इसको रोटर के नाम से जाना जाता है। यहां से सक्शन होता है, यहां से डिस्चार्ज होता है, इसमें फोर वेन्स है। अगला पिक्चर हम देखेंगे तो वो एक्चुअल पिक्चर आपको दिखेगी जिसमें कि आठ वेन होंगे। ये देखिए आप, इस केस में आप यहां पर देख रहे हैं ये एक्चुअल है हमारा मल्टीपल वेन टाइप, वो फोर का देखा था हमने वर्किंग प्रिंसिपल, यहां पर आठ वेन्स है, और ये जो रोटर है यहां से सक्शन हो रहा है, यहां से आपका डिस्चार्ज हो रहा है, बीच में केसिंग बनी हुई है, कूलिंग वाटर जैकेट्स है, और ये वेन्स जो है वो रनिंग पोजिशन में। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में हम देखें तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आपने देखा कि रेसिप्रोकेटिंग है, रेसिप्रोकेटिंग के कई सारे टाइप हैं। उसमें पहला वाला था आपका रेसिप्रोकेटिंग सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, सो एंड एंड सो ऑल। रोटरी में भी कई तरीके के मिल गए आपको, फिक्स्ड वैन, मूविंग वैन में सिंगल मूविंग वैन, मल्टीपल मूविंग वैन, और अब एक और यहाँ पर हम देख रहे हैं उसको हम बोलेंगे ट्विन रोटरी स्क्रू कंप्रेसर। यहाँ पर देखिए इसको रोटरी स्क्रू कंप्रेसर या ट्विन स्क्रू, या इसको हम हेलिकल स्क्रू कंप्रेसर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो हेलिकल कंप्रेसर है। यहां से सक्शन होगा और यहाँ पर ये जो स्पेस है इसके बीच में वो फ्लूड आएगा और वो यहाँ पर कंप्रेस होकर के डिस्चार्ज से निकल जाएगा। तो ये ट्विन स्क्रू टाइप रोटरी या हेलिकली ग्रुप रोटर्स है, इस तरीके से हम इसको बोलेंगे स्क्रू कंप्रेशर इन जनरली कहा जाता है। इसके बाद अब हम देखें पिक्चर्स के मामले में, एक पिक्चर बहुत मजेदार है, ये भी मैं दिखाना चाहूंगा आपको। रोटरी में ही है, रोटरी में ये जो टाइप है ये आपको कीवी में अलग अलग तरीके से मिलेगा, सोचते हैं कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े। ये स्क्रू कंप्रेसर भी होता है, स्क्रू कंप्रेसर की खासियत देखिए, जब ये चल रहा है इसमें रेड कलर का फिक्स है और ब्लैक कलर वाला जो है ना वो रोटेट हो रहा है, मतलब डबल स्पाइरल्स हैं जिसमें से कि एक फिक्स्ड स्पाइरल है और दूसरा वाला जो है वो मूव हो रहा है। यदि हम इसको यहाँ पर देखें, आपको एग्जैक्ट इसका एक्चुअल में दिखाएं पिक्चर, तो कुछ पिक्चर इस तरह की दिखेगी आपको।
ये देखिए ये वाली, अब आप लोग पिक्चर देख सकते हैं एक्चुअल में कि जो पिक्चर है वो ये एक्चुअल में ये वाली है कि इसमें जो आपको बैगनी कलर या वायलेट कलर्स का जो दिख रहा है वो आपका क्या हो रहा है, मतलब वो वाला फिक्स्ड है और दूसरा वाला जो येलो वाला है वो इसके अंदर क्या होगा, ये देखिए फिक्स है ना, ये वाला एक स्पाइरल फिक्स है और दूसरा वाला स्पाइरल जो है इसके अंदर रोटेट होगा जिसके बीच में फ्लूइड आएगा, कंप्रेस होगा और इसके बाद फिर वो आउट हो जाएगा। एक और पिक्चर के बारे में हम देखते हैं जो कि हम आप लोग नाम से बता देंगे, इसमें लिखा हुआ भी आएगा वैसे नाम, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में काफी कुछ, है ना, ठीक है ना, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, लिखा हुआ भी है सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेसर है, इसमें एक आई होती है, एक इम्पेलर होता है, फिर केसिंग होती है, इनलेट है, आउटलेट है, एक्चुअली रेफरेंट इन होगा, फिर इम्पेलर के थ्रू यहाँ से जाएगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है प्रेशर एनर्जी में बदलेगी और ये यहाँ से केसिंग में जा करके आपको हाई प्रेशर रेफरेंट आउट होगा। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मेरा जो उद्देश्य था आपको वो इमेजेस दिखाने का था कि आप इसमें इमेजेस देखें और ये समझने की कोशिश करें कि कितने प्रकार के हमारे पास कंप्रेसर्स हैं। अब हमने इनाल देख लिया है कि वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर रेसिप्रोकेटिंग में हमने बहुत सारे टाइप के, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में हम बहुत सारे टाइप के देख लिए हैं, सेंट्रिफ्यूगल में जो कि रोटरी टाइप का, जो कि रोटोडायनेमिक टाइप का है वो भी हमने देख लिया। एक लास्ट में स्क्रीन और शेयर करूंगा जो कि हमारे नोट्स की है, जिससे हमें ये पता रहेगा कि एक्चुअली हम चाहते क्या है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमको क्या पता होना चाहिए। ये जो मेरे नोट्स हैं उसमें मैंने बताया हुआ है, इसमें यूजुअली आपके सिलेबस में जो है वो टाइप्स ऑफ कंप्रेसर में रेसिप्रोकेटिंग है। रेसिप्रोकेटिंग के आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से रेफरेंट में इसका उपयोग होता है, R12, R22 या अमोनिया में हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का उपयोग करते हैं। इसमें बात यह है कि वॉल्यूम जो है वो कम होता है और कंडेंसिंग प्रेशर जो है वो ज्यादा, मतलब प्रेशर ज्यादा मिलेगा लेकिन अमाउंट कम मिलेगा रेसिप्रोकेटिंग में। वहीं यदि आपको वॉल्यूम ज्यादा चाहिए हो और प्रेशर कम हो तो वहां पर आप यूज करेंगे सेंट्रीफ्यूगल, यूजुअली R11 या R113 के साथ हम सेंट्रीफ्यूगल टाइप का कंप्रेसर यूज करते हैं। रोटरी जो आपने बीच में देखे थे R21 या R114 के लिए मॉडरेट या लो प्रेशर में हम यूज करते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स हैं। अब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स में भी हम फर्दर डिटेल में जाएं तो इसमें हम देखेंगे कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है वो 1/12 किलोवाट से लेकर के 150 किलोवाट तक मिलते हैं, इनकी साइज में काफी वैरायटी है। ओपन टाइप के आप देखेंगे यदि कोल्ड स्टोरेज में तो अमोनिया वाले जो है वो आपके अमोनिया के साथ जो यूज किए जाते हैं कोल्ड स्टोरेज में वो ओपन टाइप के हैं। यहाँ पर ओपन टाइप का मतलब है कि कंप्रेसर की क्रैंकशाफ्ट पे एक पुली लगी हुई है, एक इलेक्ट्रिकल मोटर पे पुली लगी हुई है और बेल्ट के थ्रू या कपलिंग के थ्रू पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, बेसिक डिफरेंस ये है। हर्मेटिकली शील्ड के बारे में हम लोग प्रैक्टिकल में देख चुके हैं, इसको लाइव भी देख चुके हैं, इसके अंदर के कंपोनेंट भी देख चुके हैं और ये देखा जाए तो 1 किलोवाट से लेकर के 5 किलोवाट तक क्वाइट यूज है। तो इस तरीके से हम देखें कि हर्मेटिकली शील्ड के बारे में हम डिटेल में देख चुके हैं, फिर भी यदि आपके कोई क्वेश्चन हर्मेटिकल शील्ड में हो, हमने इसको खोल के देखा है और इसमें खास चीज ये पाई कि इसमें एक ही साफ्ट होती है, उसी साफ्ट पर एक ओर वो रोटर होता है, दूसरी ओर पर वहां पर क्रैंक की तरह कार्य करता है और पूरा के पूरा चूंकि सील्ड होता है तो इसमें लीकेज की समस्या खत्म हो जाती है, नॉइस कम होती है। लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि यदि ये बर्न हो जाती है इलेक्ट्रिक मोटर तो पूरा के पूरा हमको कंप्रेसर ही रिप्लेस करना पड़ता है। यूजली 5 किलोवाट तक हम ये यूज करते हैं, लेकिन इससे यदि कैपेसिटी बढ़े तो हम हर्मेटिक के कुछ जो साइलेंट फीचर्स हैं, लो नॉइस या लीकेज प्रूफ, तो वहां पर हम सेमी हर्मेटिक यूज करते हैं जिसमें हम उसके बॉटम पोर्शन को वोल्टेड कर देते हैं जिससे कि जरूरत पड़ने पर हम मोटर को बाहर निकाल करके रिपेयर कर पाए। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो आज की क्लास में हम जो देख रहे हैं, जो हमारे टारगेट था उस टारगेट पर हम आते हैं। हमारा टारगेट था सबसे पहले कि कंप्रेसर की परिभाषा, वो हमने कर ली है। क्लासिफिकेशन एक आधार पर हमने वीडियो देख लिया है जिसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, कंस्ट्रक्शन वाइज इसके रेसिप्रोकेटिंग या रोटरी है, रोटोडायनेमिक में कंस्ट्रक्शन वाइज और भी कई है, मैंने एक ही लिया है, अपन इसको कंस्ट्रक्शन वाइज हटा दें, रोटो टाइप का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रोटो डायनेमिक टाइप में एक एग्जाम्पल अपन ने ले लिया है।
वो ले लिया अपन ने सेंट्रीफ्यूगल, ये इट इज अ काइनेमेटिक मशीन, इसमें हम कोई भी रोटेटिंग मेंबर के द्वारा प्रेशर को बढ़ाते हैं। इसके बाद दूसरा था अरेंजमेंट ऑफ ड्राइव के आधार पर क्लासिफिकेशन, वो है हमारा अरेंजमेंट ऑफ ड्राइव, यानी मोटर किस तरीके से है। यदि वो अलग है कंप्रेसर से तो वो ओपन टाइप है, यदि वो कंसील्ड है तो वो है हर्मेटिकल शील्ड, और एक सेमी हर्मेटिक सेमी ओपन, जो कि हम नोट्स के थ्रू भी देख चुके हैं। और इसके पिक्चर्स जो है हम ऑलरेडी पिक्चर के लाइव हमने कंप्रेसर खोलकर ही देखा हुआ हर्मेटिक शील्ड अपनी लैब में। तो आज की हमारी जो क्लास थी उसमें हमारा जो डिस्कस किया हमने डेफिनेशन, फंक्शन, पर्पस, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर्स, और हम नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा कंडेंसर, सेकंड कंपोनेंट में बात करेंगे। तो अब हम बात करें इसमें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर क्या कहता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पेपर देखें और पेपर में आप पाएंगे, कोई क्वेश्चन पाएंगे कंप्रेसर में, यूजली हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर के बारे में पूछा जाता है। क्या आप हर्मेटिक कंप्रेसर के बारे में क्या समझते हैं, तो उसका आप चित्र भी बना सकते हैं जो कि अपन ने लैब मैनुअल में बनाया हुआ है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, उसके एडवांटेज लिख सकते हैं जो मैंने बताया अभी कि नॉइस कम होती है, दूसरा लीक प्रूफ है, लेकिन डिसएडवांटेज भी है उसके कि यदि वो बर्न हो जाते हैं केस में, तो इलेक्ट्रिक मोटर बर्न हो जाए तो उसका पता हमें नहीं लगता है, इनिशियल सिम्टम्स हमें नहीं मिलते हैं, कम्प्लीटली बर्न के बाद ही हमें पता लगता है जब हम देखते हैं कि हमारे को कूलिंग नहीं मिल रही है, और फिर हम टेस्टिंग करके किसी को बोलते हैं तब समझ में आता है कि ऐसा है। तो आज के केस में मैंने देखा है कि 18 लोग आ गए, केवल दो लोग नहीं है, तो आप वो दो लोगों के नाम मुझे बता दें प्लीज, कौन नहीं है। नहीं है तो एक काम करेगा, हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे उस समय तक यदि क्वेश्चन लगाए आप लोग पेपर में देख लें, ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहा है कल होगी या आफ्टर टुमारो 1:30 पर ही, जिसमें कि हम कंडेंसर के बारे में पढ़ेंगे, उसके लिए मैं आपको अभी ठीक है। सो थैंक यू ऑल।